दोस्तों नमस्कार। आज पुनः आप सबको एमिनेंट फ्यूचर इंडिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष और खुशी हो रही है। दोस्तों एमिनेंट फ्यूचर इंडिया से क्यों जुड़े, जैसा कि नाम है एमिनेंट, उत्कृष्ट उज्जवल प्रख्यात। भारत का भविष्य उत्कृष्ट है, उज्जवल है, प्रख्यात है। भारत है कौन? हम सब है। एक टीम है, एक संगठन है। इसमें हर उस टैलेंटेड व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने सपना को पूरा करना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सपना अकेले पूरा कभी नहीं हो सकता। आपकी सपना और सारे सपना जब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए और एक दूसरे की सहयोग करने लगे तो सबका सपना, आपकी सपना मैं पूरा करूं, मेरा सपना आप पूरा करो, हम दोनों मिलकर के किसी और का सपना पूरा करें, हम ऐसे ही एक दूसरे को सपना पूरा करने के लिए अगर हम लोग काम करें तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा देश भारतवर्ष यथाशीघ्र ही विश्वगुरु बन सकता है। सब प्रकार से हम भारतवर्ष कहा जाता है जो हर इंसान, हर जीव जंतु प्रभु का अद्भुत रचना है। तो जो प्रभु का रचना है, जो प्रभु का संतान है, और अगर तो हम भी देवता है, हम देने वाले देते रहते हैं। और इसी बात पर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक्सपीरियंस और एनर्जी। इसके ऊपर मैं आपसे कुछ समय अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आशा करता हूं इस पर आप सबका फीडबैक मुझे मिलेगा। आप अपनी अपनी फीडबैक से हमें मार्गदर्शन देने की कष्ट अनुग्रहित करेंगे। दोस्तों कहा जाता है जब भी हम किसी के सामने कोई प्रपोजल लेके जाते हैं तो अधिकतर व्यक्ति कहता है, यही कहता है जो पहले आप प्रूव करो फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं। प्रूफ, हमने प्रपोजल बनाया अपने अनुभव से तभी तो हम आपके पास आए, और जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ोगे तब तक हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए एक ही है जो ये कैसे होगा, कैसे होगा ये अगर आप समझ लेते हैं तो हम किसी और से जब शुरुआत कर सकते हैं वो हम आपसे शुरुआत क्यों नहीं कर सकते और आप मेरे से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। तो प्रूव करो, इसके ऊपर एक दो उदाहरण है हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। क्या चंद्रगुप्त चाणक्य की, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्र की कहानी हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से? क्या चाणक्य महाराज थे, सम्राट थे? और क्या चंद्रगुप्त सम्राट थे? नहीं ना। चाणक्य जी के पास अनुभव था, ज्ञान था। उस ज्ञान के बल पर उन्होंने कहा कि इस तरह से सम्राट बन सकता है, और उस सम्राट बनने के लिए कोई ठग व्यक्ति की जरूरत थी। तो वो एक सम्राट बनने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी एक गरेरिया चलाते हुए नौजवान के अंदर चाणक्य ने देखा और अपने अनुभव के आधार पर यह चयन किया, यही लड़का है जिसको हम सम्राट बना सकते हैं। और चाणक्य ने उस बालक के माता के पास गए और माता से बोले, जो आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दो, मैं आपके बेटा को इस राज का सम्राट बनाना चाहता हूं। और माता ने भी विश्वास किया और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों साथ मिल गए। जैसे जैसे चाणक्य जी कहते गए वैसे वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी करते गए, और अंत हम सब जानते हैं जो वो सम्राट बने। तो बिना गुरु या बिना मार्गदर्शन, बिना अनुभव की आज तक कोई सफलता किसी को ना मिली है ना कभी मिलने वाला है। तो क्या चाणक्य, सवाल ये उठता है, क्या चाणक्य सम्राट थे या चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट? हाँ, इतिहास में हमने एक पढ़ा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता
भी सम्राट थे और हार गए थे, उनकी पत्नी अपने राजकुमार को लेकर के भेष बदल करके जिंदा रही थी, तो उनके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर सम्राट की ब्लड था। लेकिन वो ब्लड को पहचानना को किसने पहचाना? एक अनुभव ने पहचाना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त चाणक्य, पंडित चाणक्य। तो ज्ञान ही है जो आपको अच्छे और बुरे में परिवर्तन बता सकता है। ज्ञान के बिना सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, और ज्ञान और अनुभव मिल जाए तो बहुत। तो आपके अंदर वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर एनर्जी था और चाणक्य की अनुभव और ज्ञान दोनों मिल गया, तो जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य फिर से सम्राट बने, और ऐसे सम्राट बने जिनका बेटा फिर बिंबिसार और उनका बेटा महाराज सम्राट अशोक, जो आज हमारे भारत की तीन शेर स्तंभ जो देखते हैं ये सम्राट अशोक कर दिए हैं। तो दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए धन की, परिणाम की नहीं, प्रयास और अनुभव की जरूरत होती है। प्रयास अनुभव के साथ प्रयास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलता है। दूसरा, आज जीता जागता अभी तत्कालीन उदाहरण है, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट के भगवान कहते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर के जो कोच है, जितना ख्याति सचिन तेंदुलकर जी को मिला है उतना ही ख्याति उनके कोच को मिला है क्या? लेकिन उनकी कोच ने देखा क्या क्या गलती किया जिसके कारण से वो ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए, वह गलती सचिन तेंदुलकर को मना किए, और सचिन तेंदुलकर जी ने उनके बातों पर विश्वास करके वैसे ही किया जैसे उनका कोच चाहते थे, तो आज सचिन तेंदुलकर जी का नाम भगवान के बराबर लिया जाता है, बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो जब तक हम समर्पण और विश्वास के साथ, हम किसी के पर विश्वास नहीं करेंगे, समर्पण नहीं रखेंगे, तब तक वह परिणाम नहीं मिल सकता है जो परिणाम हमें चाहिए। अक्सर जब तक परिणाम नहीं मिलता है तब तक मन भटकता रहता है, पता नहीं ये काम कर रहे हैं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काम कर रहे हैं कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तो यहाँ पर एक लाइन और है, जिस जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उसको उसी रूप में देखते हैं। अगर हमारे अंदर नहीं, प्रभु तो होते नहीं है, तो हमारे सामने प्रभु भी आएंगे तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई है जो प्रभु कणकण में विराजमान है, व्यक्ति व्यक्ति में विराजमान है, प्रभु की पहचानने के लिए आपके अनुभव की आवश्यकता है। अनुभव है तो आप प्रभु की पहचानेंगे आप, क्योंकि प्रभु निराकार है, प्रभु का कोई आकार नहीं है। प्रभु आपके बेटे के रूप में भी हो सकते हैं, प्रभु आपके छोटे भाई के रूप में भी हो सकते हैं, प्रभु आपके माता पिता के रूप में भी हो सकते हैं, प्रभु आपके पति पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं, प्रभु का कोई भी रूप हो सकता है। ये तो आपके अनुभव और आपके नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है जो आप प्रभु को पहचानते कैसे हैं। जो आपके कल्याण आपके फायदे के लिए बात करे वही आपका प्रभु है, जो आपको सहयोग करे वही आपका प्रभु है। प्रभु को पहचानने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु तो हमारे आसपास में दिखाई देते रहते हैं। लेकिन और प्रभु अक्सर हम प्रभु को मंदिर में ढूंढते हैं। हाँ, मूर्ति हमारे एक आस्था का केंद्र है, मूर्ति को हम भगवान मानते हैं, लेकिन उसी मूर्ति में, उसी वेद में लिखा हुआ कण कण में भगवान की वास है, हर जीव में भगवान की वास है, सांस है ही ईश्वर है। जो जब तक सांस ले रहे तब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हो, जब सांस खत्म ये शरीर जो ये ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, ये सांस गंध होते ही जैसे जिस पोजिशन में रहेगा शरीर उसी रूप में रह पाएगा, इसको हम ना मोड़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो सांस है तो फ्लेक्सिबिलिटी है सांस को, तो प्रभु तो हमारे सांस है, प्रभु तो हमारे आंख है, प्रभु तो हमारे कान है, प्रभु तो हमारे जीव है, प्रभु तो हमारे शरीर का हर अंग है, और
जो मेरे अंदर है वही आप सबके अंदर है, तो हम सब प्रभु के संतान हैं, हम सब प्रभु हैं, और प्रभु कभी किसी का नुकसान नहीं सोचता, प्रभु किसी को डराता नहीं है, प्रभु किसी से डरता नहीं है, प्रभु एक दूसरे को सम्मान देता है। जैसे घर में कोई अतिथि आता है तो हम अच्छे पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि को। तो उसी तरीके से शंका को, डाउट को त्यागे और सफलता के लिए काम करे। जो समझ में नहीं आता है, जो भी कोई व्यक्ति प्रपोजल देता है उस प्रपोजल को समझे और जैसे वो काम करता है, कहता है वैसे कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। धन कमाने का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, कोई भी हर काम करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को समझे, और अगर उद्देश्य आपके उद्देश्य से मैच करता है तो उस पर तन मन से कीजिए, उद्देश्य आपका पूरा होगा। धन है तो धन भी लगाइए, तन मन धन, जिसके पास जो है वही तो देगा, जिसके पास तन है तन देगा, जिसके पास मन है मन देगा, जिसके पास धन है धन देगा। और बहुत सौभाग्यशाली ऐसे लोग हैं जिनके पास तीनों है, तन भी है मन भी है धन भी है, और तीनों अगर लगाएंगे तो जो लगाओगे वही रिटर्न मिलेगा। तन भी लगाओगे तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन लगाओगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा, धन लगाओगे तो धन भी वापस आएगा, तो तीनों लगाओगे तो तीनों वापस आएगा। तन लगाओगे तो तन के बदले या तो धन मिलेगा या तन मिलेगा या दोनों मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, वो आपके कर्म और आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कर्म और मेरे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों सोच को बदलो। हमें किसी अगर झोला छाप डॉक्टर, मैं खुद कंफ्यूज हूं तो मैं आपको क्या रास्ता दिखा सकता हूं, मैं खुद, लेकिन मैं कंफ्यूज कैसे हूं ये आपको कैसे पता, आप कंफ्यूज कैसे हैं मुझे कैसे पता, क्योंकि कोई कंफ्यूज होता नहीं है। हम समझते हैं जो ये कंफ्यूज है क्योंकि उसके हर सवाल की जब उस जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है वो पूरा नहीं कर पाते, तो हम ये नहीं कहते जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम यह कहकर पीछा छोड़ने की कोशिश करते हैं जो ये व्यक्ति कंफ्यूज है, ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति नहीं समझ रहा है। अरे हाँ सही है, जो नहीं समझ रहा है आप समझाने के प्रयास तो करो, तभी तो समझ में आएगा। जरूरी नहीं है एक ही बात बार में एक बात समझ में आ जाए, हो सकता है एक कई बार समझाने के बाद करत करत अभ्यास की जड़बती हो सुजान, रसरी आवत आप पे शिल्पे पड़त निशान। दोस्तों मैं को त्यागो, मैं केवल एक ही है जिनका नाम है ईश्वर, ईश्वर ही मैं है और बाकी हम है, हम सब हम है, हम में आए और परिवर्तन देखे। मैं जब तक मैं करेंगे, मैं या तो ईश्वर है या एक बकरा है, जो जीव में बकरा मैं करता है और हलाल होता है कटता है, उसी तरह से हम की कोई नहीं है। हम में परिवर्तन हो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। और धन कमाने का उद्देश्य क्रिएट करें, जो हम धन क्यों कमाना चाहते हैं, हमारा धन कमाने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य जब पूरा होता है तो एक उस व्यक्ति से हाथ मिलाए जो आपके उद्देश्य के अनुसार से आपके साथ मिलना चाहता है, आपको सफलता दिलाने में सहयोग करना चाहता है, वही आपका गुरु है, वही आपका ईश्वर है। और उसकी बात माने, समर्पण करें, विश्वास करें, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसी बात के साथ मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जो मैंने बोला है, आपको मुझे भी विश्वास है आप सब समझेंगे और आपको यह बात मेरी पसंद आ रही है तो आप मुझसे जरूर संपर्क करेंगे। मैं अपना नंबर और ईमेल आपको लिख देता हूं, आप समझने की ये मोबाइल एंड व्हाट्सएप जो नंबर है 9 58 222 834, ईमेल है यूनिक unique07@gmail.com
ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यही मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप हम सब अपने अपने उद्देश्य को खुद क्लियर करें, और जहां से जब तक हम दूसरों को भला नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ नहीं होगा। भला को उल्टा बोलेंगे तो ये लाभ इधर करेंगे लाभ होगा, भला इक्वल टू लाभ। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी बातें समझ में आई होंगे और आप हमें जरूर फीडबैक देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।